हम सब के रिलीजियस बिलीफ तो अलग हैं, हम सब की जो आस्थाएं हैं, जो श्रद्धाएं हैं, वो सारी की सारी अलग अलग हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि एक तरह की डाइवर्सिटी है। क्या हम सब के सब एक यूनिफॉर्म कॉमन गॉड की वर्शिप करते हैं? क्या हम सब की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हमारी पूजा, उपासना, वर्शिप, इबादत, क्या सब कॉमन है? क्या हमारे पास एक यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप सिस्टम है? सबके तरीके अलग अलग हैं, हम सब के फेस्टिवल्स और त्यौहार अलग अलग हैं, हमारे कोई यूनिफॉर्म कॉमन त्यौहार तो नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे डाइटरी लॉज या जो खाना पीना हम खाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो पिक का गोश्त भी खाते हैं और कुछ लोग हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। तो इसमें तो हम कॉमन नहीं है, हमारा कोई यूनिफॉर्म कॉमन डाइटरी लॉ तो नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे ड्रेस कोड्स भी अलग अलग हैं, हमारे अपने रिलीजियस बिलीव्स और रीजन के एतबार से हमारे अपने ड्रेसिंग लॉज हैं, तो हमारा कोई यूनिफॉर्म कॉमन ड्रेसिंग लॉ भी नहीं है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में या गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की वजह से वहाँ भी कोई कॉमन सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर आज जो प्रपोजल रखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर फैमिली लॉस के अंदर, जो हमारे घर के अंदर की बात है, जो हमारी फैमिली इशूज से ताल्लुक रखते हैं, उसके अंदर एक यूनिफॉर्म कॉमन फैमिली लॉ लाया जाए जो सारे धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून रहे। उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि जब हमारे बिलीफ्स अलग अलग है, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स अलग अलग है, हमारे फेस्टिवल्स अलग है, हमारे कपड़ों का सेंस अलग है, हमारे डाइटरी लॉज अलग है और कई सारी और चीज़ों में हमारे डिफरेंसेस हैं, तो हमारे मैरिज और फैमिली रिलेटेड लॉज कैसे कॉमन हो सकते हैं?